नमस्कार इन न्यूज की खास पेशकश चुनावी महासंग्राम में आपका स्वागत है दर्शकों लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है जिसके चलते चलते सभी लघु दीर्घ दल अपनी चुनावी रणनीति आखने में में लगे हुए हैं। उसी उसी के चलते, के मद्देनजर रामटेक लोकसभा क्षेत्र किस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति रहेगी किस प्रकार से कांग्रेस की रणनीति रहेगी इसके विषय में चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के सचिव अश्विन बैस ने अश्विन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में जिस प्रकार से रामटेक लोकसभा क्षेत्र में सरगर्मिया इलेक्शन की चल रही है पूरे देश में जो है लोकसभा चुनाव की सरगर्मिया चल रही है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि, कि किस प्रकार से जो है रामटेक लोकसभा में कांग्रेस तैयारियां कर रही है लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर रामटेक लोकसभा की तैयारी बहुत जोरों से चल रही है हमारी महाविकास आगाड़ी के माध्यम से हर विधानसभा में हमारी मीटिंग शुरू है महाविकास आघाड़ी के माध्यम से हम बूथ तक जा रहे हैं और बूथ लेवल पर जाकर हम बी एल जो हमारे बनाते हैं पार्टी से उस लेवल में जाके हम काम कर रहे हैं देखा जाए तो पूरे दस सालों में कांग्रेस एवं विपक्षी दल महाविकास आघाड़ी का वोट प्रतिशत कम होता दिखाई दे रहा है हिंगना विधानसभा में भी और देखा जाए तो पूरे रामटेक लोकसभा में तो क्या कहना चाहेंगे आप ग्रामीण की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है तो किस प्रकार से इस प्रतिशत को आप समन्वयित कर रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है देखिए अभी जो जिला परिषद का जो रिजल्ट आया पंचायत समिति का जो रिजल्ट आया विधान परिषद का जो ग्रेजुएट वाला जो रहता है उसका जो रिजल्ट आया आप उसमें देख सकते हैं कि कांग्रेस की जीत हुई या जिला परिषद में कांग्रेस की सत्ता है पंचायत समिति में कांग्रेस की सत्ता है विधान परिषद हम लोग चुनकर आए हैं और हमारे अभी उम्र से आमदार है राजू बारवे जी राष्ट्रवादी के आमदार काटोल से है तो हमारी स्थिति यहाँ पर अच्छी है तो क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है बूथ वॉरियर्स अभियान चलाया जा रहा है साथ ही साथ गांव चलो अभियान भी भारतीय जनता पार्टी चला रही है तो प्रति उत्तर में आपके पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसके की आप जो है बीजेपी को पिछाड़ी पे लाएंगे ऐसा कौन सा अभियान जो है कांग्रेस की ओर से चला हमारा यूथ कांग्रेस के माध्यम से पिछले एक साल से यूथ जोड़ो बुथ जोड़ो का काम चल रहा है प्रोग्राम शुरू है तो हम कहीं ना कहीं यू जोड़ो में हमारा एक साल से पहले से पूरे महाराष्ट्र में काम शुरू है पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो पूरे महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के मार्ग पर गए हैं भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और स्पेशल तौर पर बोला जाए तो उदाहरण के तौर पर अशोक राव चौहान भी जो है कांग्रेस से बीजेपी में गए इसके बाद जो लूप होल तैयार हुआ है क्या लगता है आपको लूप होल तैयार हुआ है नहीं हुआ है आ, क्या क्या आपके जो है मतदाता इससे प्रभावित होंगे कहना चाहेंगे नहीं देखिए नेताओं के जाने से कार्यकर्ता नहीं जाता कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के साथ राहुल जी गांधी इनके साथ में आज राहुल जी गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो नया यात्रा के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं और हम भारत में न्याय देने का काम कर रहे हैं संविधान बचाने का काम कर रहे हैं ये लोगों को समझ में आ रहा है आज आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से भाजपा कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर रही है दो दो मुख्यमंत्री को इन्होंने ईडी सीबीआई के डर दिखाकर अंदर कर दिया तो आपको इससे समझ में आ रहे आ रहा होगा कि भाजपा कितना डरी हुई है देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का बोलबाला ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि हिंगना छोड़े तो सभी क्षेत्रों में कांग्रेस के ग्रामीण की बात की जाए तो कांग्रेस के विधायक है जिला परिषद भी कांग्रेस की है लेकिन रामटेक लोकसभा की जब बात आती है तो रामटेक लोकसभा में जो है पिछले दस सालों से शिवसेना मतलब महायुति के जो है सांसद चुन के आ रहे हैं स्थानीय मतों आप किस प्रकार से समन्वय ताकि जो है महाविकास आघाड़ी का सांसद इस बार रामटेक लोकसभा में चुनकर आए देखिए ऐसा है कि पहले कांग्रेस राष्ट्रवादी मिलकर लड़ती थी अभी शिवसेना साथ में महाविकास आघाड़ी की ताकत आपको रामटेक लोकसभा में दिखेंगी दूसरा ये है कि जो स्ट्रेटेजी है वो हमने इलेक्शन के बदल दी है अभी ग्राउंड पे लेवल पे जाके बूथ लेवल पर जाकर हम काम कर रहे हैं दूसरा यह है कि आदरणीय मुकुल जी केंद्रीय मंत्री रह चुके लोकसभा के सांसद थे पिछले दस साल पहले लेकिन किसी कारणवश उनको संगठन में संगठन की जवाबदारी थी करके वो दिल्ली में ये हो गए नहीं तो आज भी ये सीट हमारे कब्जे में रहती थी और अभी आने वाले समय में ये सीट हम चुनकर आएंगे देखा जाए तो जिस प्रकार से आपने आपके स्ट्रेटेडी की बात की रणनीति की बात की लेकिन आपके जो मित्र पक्ष है उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना साथ ही साथ शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस इनके चिन्ह जो है जो परंपरागत चिन्ह थे वो उनसे दूर हो चुके हैं बोल सकते हैं एक का तुतारी है तो एक का मशाल है जिनके परंपरागत चिन्ह पहले धनुष्यवान थे और घड़ी थी तो किस प्रकार से मतदाता जो है पहचान कर पाएंगे इसमें आपको क्या लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा महाविकास आघाड़ी के ओटो में या बोल सकते हैं कैडर में नहीं नहीं इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जो नाम है शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब ये हमारे साथ में उनके नाम पर ही इस महाराष्ट्र में राजनीति चलती आई है शरद चंद्र जी पवार साहब के या बाड़ा साहब ठाकरे जी के तो उनके लड़के आज उद्धव ठाकरे साहब हमारे साथ में है तो इससे हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है महाविकास आघाड़ी की ताकत आपको भविष्य में देखने को मिलेंगी अः बात करें हिंगना विधानसभा की तो जो है दो के इलेक्शन में सभी पार्टियां भिन्न भिन्न लड़ी थी गठबंधन नहीं था उस समय की स्थिति जो है कुंदा राव तीसरे स्थान पर गई थी दूसरे स्थान पर रमेश चंद्र बंग आए थे तो क्या कहना चाहेंगे आप कांग्रेस की स्थिति के विषय में हिंगना विधानसभा की और बात आती है रामटेक लोकसभा की तो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी जो है कड़ी मेहनत कांग्रेस को करना पड़ेगी क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप वो ऐसा है हिंगना विधानसभा का वो आइन समय पर जब गठबंधन टूटा कांग्रेस राष्ट्रवादी का तो आइन समय पे वो सीट कांग्रेस से कुंदाताई राउत इन्होंने लड़े अगर उसमें हमको समय मिलता था तो हम 100 परसेंट वो सीट वहां से कांग्रेस के हमारी सीट चुनकर आती थी क्या हुआ इतनी 10-15 सालों से कांग्रेस और राष्ट्रवादी का गठबंधन है करके हिंगना विधानसभा जो है ये राष्ट्रवादी के कोटे में जाती गई और कांग्रेस का कहीं कही कही, ना कहीं यानी कार्यकर्ता जो है राष्ट्रवादी के तरफ में कन्वर्ट होता था और वो समय पर टिकट जो है कांग्रेस को मिली करके वो ऐसा हुआ लेकिन अभी कांग्रेस हिंगना विधानसभा में बहुत मजबूत है और आने वाले समय में आपको हिंगना विधानसभा में कांग्रेस की सीट इलेक्शन लड़ेंगे कांग्रेस से हिंगना विधानसभा और आपको उसका रिजल्ट हिंगना विधानसभा में दिखेगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत है आ, देखा जाए तो सूत्रों के हवाले ये भी आ रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी के हवाए चल रही है ऐसा भी बोला बोला जा रहा है क्या कहना चाहेंगे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आखिर सत्य परिस्थिति क्या है अभी सत्य परिस्थिति यह है कि कांग्रेस में कहीं भी गुटबाजी नहीं रही आज आप नागपुर शहर का देखिए या रामटेक लोकसभा का देखिए सभी नेता आज एक मंच पर है आज आदरणीय केदार साहब हो नितिन राउत जी साहब हो राजेंद्र मोड़क हो या कोई भी वरिष्ठ नेता हो सब नेता आज एक मंच पर बैठे हुए विकास ठाकरे साहब हो बिलासराव मुतेमार जी हो सतीश चतुर्वेदी आज हर नेता हमने सब एकजुट है आपको एकजुट दिख रहे होंगे और आने वाले समय में हम मिलकर ही सब चुनाव लड़ेंगे बात करें 2019 की तो 2019 के चुनाव के बाद जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे विजय घोड़मारे इन्होंने एक बोगस वोटर्स का मुद्दा उठाया था सत्य परिस्थिति क्या है क्या कहना चाहेंगे क्या सच में हिंगना विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सच में बोगस वोट है क्या बोगस वोटों के जरिए ही जो है वहाँ के विधायक चुन क्या है क्या कहना चाहेंगे आप हिंगना विधानसभा में हमने जब कोर्ट में केस फाइल किए तो छप्पन हजार मतदान ये बोगस निकले लेकिन उसके ऊपर में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है कुछ कार्रवाई हुई है लेकिन जितनी कार्रवाई होना था हंड्रेड परसेंट वो कार्रवाई नहीं हुई है छप्पन हजार मतदार हिन्ना विधानसभा में बोगस है जिसमें कि वाना डोंगरी में आठ हजार है वाड़ी में साढ़े चार पाँच हजार है गोदनी सर्कल में कुछ तीन साढ़े तीन हजार है ऐसा गुट्टी बोरी में कुछ है ऐसी करके पूरे विधानसभा में पचपन छप्पन हजार मतदार आज भी बोगस है जिसका भाजपा को सीधा सीधा फायदा हो रहा है ये बोगस मतदान हमने कलेक्टर साहब कोर्ट सब जगह जहां जहां हमको करना था प्रोसेस हमने हर जगह बोगस मतदार की यादी वहां पर जमा की है और खुद उनके पीए लोगों जो उनके पीए साहब के उनके पीए के नाम हमारे हिंगना विधानसभा मतदार संघ के वाड़ी में कुछ वाना डोंगरी में तो इससे समझ में आता है कि हिंगना विधानसभा में बोगस मतदार है आ, बात करें रामटेक लोकसभा की तो रामटेक लोकसभा में कांग्रेस की संभाव्य उम्मीदवार संभाव्य प्रत्याशी रश्मि बर्वे को नोटिस भेजा गया है कास्ट वैलिडिटी के संबंध में क्या कहना चाहेंगे सत्य परिस्थिति क्या है इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे देखिए ऐसा है संभाव्य उम्मीदवार में अभी बहुत सारे नाम चल रहे हैं रश्मिताई का नाम है कुणाल जी राउत इनका नाम है राजू जी पारवे इनका नाम है तो टिकट जिसको भी मिलेंगे उसके लिए हम तैयार है लेकिन जो ये नोटिस जो गया है उसके ऊपर में रश्मिताई ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने क्लियर किया है कि उनको कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके उनको नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है

वोटर्स है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाते दिखाई दे रहे हैं तो आ, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो गेट शुरू हुआ था खुला था वो आदरणीय राजीव जी गांधी जी के टाइम पर शुरू हुआ था तब से वहाँ पे दर्शन वगैरह देना चालू हुआ दर्शन मिलना चालू हुआ उसके बाद में जो है कोर्ट का फैसला भी उनके समय में रहते हुए आया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी आपने देखे होंगे कि इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने राम मंदिर अभी मंदिर कंप्लीट ही नहीं हुआ है और उसका भव्य एक इवेंट के तौर पर उन्होंने पूरे देश में आज उसका भूमि पूजन करके वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करके उन्होंने मंदिर ये कर दिए है हमारे हिंदू धर्म में एक रीत है कि जब तक हमारा पूरा घर कंप्लीट नहीं होता हमारा मंदिर कंप्लीट नहीं होता हम तब तक वहाँ पे कोई पूजा वगैरह नहीं करते इसका कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में रिजल्ट दिखेगा लोगों को समझ में सब आ रहा है कि ये क्या चल रहा है करके देश में एक राम मंदिर के नाम पर एक उन्होंने इवेंट किए पूरे देश में आ, देखा जाए तो सावनेर विधानसभा क्षेत्र के जो पूर्व विधायक है सुनील केदार उन पर चले मामले के बाद एक लूप होल तैयार हुआ है कांग्रेस पार्टी के वोटर्स के बीच क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार से लूप होल भरेगी कांग्रेस ऐसा अच्छा है सुनील जी केदार साहब ये संघर्ष नेता है संघर्ष योद्धा है उन्होंने बीजेपी के सामने में हारनी मानी करके उनको एक षड्यंत्र के तहत रचा गया और उनको जेल भेजा गया लेकिन आपने देखे होंगे कि कोर्ट ने उनको तुरंत ही दस या बारह दिन के बाद में जमानत दे दी तो इस पे जो भी है इस पे कोई फ्लू ये नहीं हो रहा है आदरणीय केदार साहब जब बाहर निकले तो आपने देखे होंगे कि हजारों के संख्या में लोग उनके साथ में थे तो दर्शकों ये थे हमारे साथ अश्विन बेस जिन्होंने की कांग्रेस की पूरी रणनीति पर प्रकाश डाला है तो देखना यह रोचक रहेगा कि किस प्रकार से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हावी होती है या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हावी होती है किसकी बनती है सरकार और किसका बनता है किसका होता है सुपड़ा साप इन सभी प्रश्नों के साथ आप देखते रहें एनबीसी न्यूज मैं था मनीष टेमरे हमारे साथ थे अश्विन बेज धन्यवाद